हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लॉन्ग मैक्सी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिए 6 मीटर, लाइनिंग के लिए लिया है मैंने सैंटून फैब्रिक 3 मीटर, और यहाँ पर मैंने लोअर पार्ट के लिए स्कर्ट कट करके रखा है, तो उसे मैं यहाँ पर पेपर में ड्राफ्ट करके बताती हूँ। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक को कॉर्नर से फोल्ड किया है एंड ऊपर से मैंने यहाँ पे वेस्ट लाइन के लिए एक मार्क करी है, और वेस्ट लाइन का मैंने जो वाइड है वो रखा है 8 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। वेस्ट लाइन से स्कर्ट का मैंने फुल लेंथ रखा है 42 इंच। इसके दूसरे साइड पे भी मैं इसका लेंथ रखूँगी 42 इंच, और यहाँ पे मैं इस अम्ब्रेला का जो राउंड शेप होता है बॉटम पार्ट का, उसे इस तरीके से करके मैंने सेम एज इट इज़ फैब्रिक पे इसकी ड्राफ्टिंग करी है और इसकी कटिंग करी है। तो इस पार्ट को मैं 2 पार्ट्स में कट करूँगी, फ्रंट एंड बैक। फैब्रिक में भी सेम एज इट इज़ ड्राफ्ट कर लेना है। तो ये तो हो गया स्कर्ट पार्ट, अभी इसकी लाइनिंग कट कर लेते हैं। लाइनिंग के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4th फोल्ड पे रखा है, और इसकी फुल लेंथ मैंने रखी है 40 इंच। वाइड में रख रही हूँ 19 इंच। वेस्ट लाइन के लिए जैसे मैंने इसके आउटर पार्ट पे 8 इंच लिया था, तो इनर में भी मैं 8 इंच ले रही हूँ प्लस 2 इंच मार्जिन। वेस्ट लाइन को अभी मैं बॉटम लाइन जो है हमारा उससे इसे मार्क को अटैच कर दूँगी और इस लाइनिंग की कटिंग कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा लाइनिंग। अभी बॉटम पार्ट का तो हमने कट कर लिया है, अभी टॉप पार्ट के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक को रखा है 4th फोल्ड पे, और इसका फुल लेंथ मैंने रखा है 15 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। आर्म होल के लिए लिया है मैंने 5 इंच। शोल्डर में यहाँ रख रही हूँ 5 इंच, एंड आर्म होल का जो शेप है उसे मैंने इस तरीके से यहाँ पे राउंड कर दिया। बस्ट मैं ले रही हूँ 8 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। वेस्ट राउंड 1/4 पे मैं ले रही हूँ 7.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, एंड दोनों साइड वाले जो मार्किंग है उसे मैंने इस तरीके से मिला दिया है, और अब इसकी भी कटिंग मैं कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों साथ में कट किया था, तो अभी मैं एक पार्ट को अलग कर ले रही हूँ। अभी मैं इसी के नाप का मैं बैक पार्ट भी कट करूँगी, फ्रंट पार्ट मुझे कट नहीं करना है क्योंकि उसका डिज़ाइन अलग है। तो ये हो गया बैक पार्ट, ये है फ्रंट पार्ट। तो इसमें नेकलाइन में कट कर लेती हूँ। नेकलाइन वाइड मैंने रखा है 2.5 इंच, नेकलाइन लेंथ 5 इंच, एंड इस नेक लाइन पे मैं स्वीट हार्ट नेक शेप का जो मार्किंग होता है उसे यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ, और इसकी अभी कटिंग कर लेते हैं। सो ये टॉप पार्ट का इनर हो गया, अभी इसका जो मेन फैब्रिक है, मेन पार्ट ऊपर का आउटर पार्ट, उसे कट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक लिया है ओन फोल्ड पे, और इसका जो वाइड है वो है 11 इंच, लेंथ मैंने रखी है 27 इंच। सो फ्रेंड्स, इस फैब्रिक के सेंटर पार्ट पे मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर ले रही हूँ। इस मार्किंग पे मैं कुछ प्लेट्स ऐड करूँगी, तो मार्किंग इसीलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। सो गाइस, इसी लाइन पे मुझे प्लेट्स बनानी है। ऊपर से 5 इंच जितना मेरा नेकलाइन का लेंथ है वहाँ तक मैं प्लीट्स नहीं बनाऊँगी, वहाँ तक मैं इसे प्लेन रख रही हूँ, उसके बाद मैं इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं 5 इंच तक फैब्रिक पे प्लेन स्टिच कर रही हूँ। अभी यहाँ से मैं इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करती हूँ, और फ्रंट पार्ट का जितना हमारा लेंथ है 15 इंच, उसमें 5 इंच माइनस करके मीन्स 10 इंच तक
प्लीट्स बनानी है। तो गाइज ये प्लीट इस तरीके से बन चुका है। अभी मैं इसका जो फ्रंट पार्ट का इनर कट किया था उस पर इसको इस तरीके से रखने वाली हूँ और इसके सेंटर लाइन पे एक स्टिच डाल दूँगी। सो मैंने स्टिच इसके ऊपर डाल दी है। अभी जो इसके साइड वाले पार्ट में फैब्रिक है उसमें भी मुझे कुछ प्लेट्स ऐड करनी है। तो ऊपर से सेम आर्म होल तक कोई भी प्लीट नहीं डालनी है, यहाँ तक मैं प्लेन स्टिच कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करूँगी। सो फ्रेंड्स अभी साइड वाले पार्ट पे हम पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। और इसमें नाइफ प्लीट, छोटी छोटी नाइफ प्लीट में इसके पूरे साइड वाले जो पार्ट है वहाँ पे बना दूँगी। दोनों साइड पे मैंने सेम प्लीटिंग कर दी है। अभी इसे मैं आयरन से अच्छे से सेट कर ले रही हूँ, फैब्रिक को अच्छे से टाइट रखना है और उसके ऊपर से आयरनिंग करनी है। इससे प्लीट जो हमारा है वो अपने आप सेट हो जाएगा आयरनिंग से। आइनिंग के बाद इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है फैब्रिक के उसे मैं कट कर दे रही हूँ। नेकलाइन पे भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी कट कर देंगे। अभी नेकलाइन के चारों तरफ एक स्टिच लगा देते हैं और उसके बाद मैं नेकलाइन की जो फेसिंग है उसे करूँगी। अभी नेकलाइन को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक ली है, इसके ऊपर से मैं नेकलाइन को इस तरीके से रखूँगी और इसके चारों साइड पे एक स्टिच लगाऊँगी। जिस शेप में मैंने नेकलाइन कट कर रखा है उसी शेप के ऊपर मैं हाफ बूट पे एक स्टिच लगा रही हूँ। अभी सेंटर वाला जो फैब्रिक है हमारा मार्जिन का हो गया, तो उसे मैं इस तरीके से कट कर दे रही हूँ। कॉर्नर पे स्मॉल कट्स लगाने हैं और फेसिंग का जो पट्टी है उसे मैं 1.5 इंच तक का रख के इसका बाकी का जो फैब्रिक है उसे कट कर दे रही हूँ। अभी फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है, स्ट्राइप के साइड पे मार्जिन रखनी है और उसके ऊपर से एक स्टिच लगानी है पूरे नेकलाइन पे। अभी स्ट्राइप का जो साइड वाला पार्ट है उसे फिनिश करने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को एक बार फोल्ड कर दी है और इसकी स्टिचिंग भी कंप्लीट कर दे रही हूँ। तो गाइज ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का नेकलाइन। एज इट इज मैंने बैक पार्ट का भी नेकलाइन बनाया है। बैक पार्ट पे मैंने स्क्वायर नेकलाइन रखा है, तो इसकी भी फिनिशिंग मैंने एज इट इज़ कर दी है। सो फ्रेंड्स जैसे कि आपने इंट्रो में देखा है गाउन के ऊपर वाले पार्ट पे मैंने फ्रिल लगाई है, तो इसके लिए मैंने फैब्रिक यहाँ रखा है ऑन फोल्ड पे एंड इसका वाइड है 20 इंच, लेंथ मैंने लिया है 33 इंच। अभी यहाँ पे 33 इंच का जो हाफ होता है 16.5 वहाँ पे एक मैंने मार्किंग कर दी है
और इस मार्किंग पे एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है दोनों साइड। अभी लाइन के दोनों साइड पे मुझे प्लीट्स बनानी है, तो प्लीट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरीके से रखा है और इसमें मैं नाइफ प्लीट्स बनाऊंगी। तो इस तरीके से प्लीट को अंदर के साइड पे रख के इसकी वन साइड की जो प्लीटिंग है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। दूसरी साइड की जो प्लीटिंग होगी सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मीन्स इसके प्लीटिंग अंदर के साइड में है तो दूसरे साइड की जो प्लीटिंग है वो बाहर की साइड में होगी। तो इस प्लीटिंग को मैं बाहर की साइड में इस तरीके से डाल रही हूँ। सो फ्रेंड्स, दोनों साइड की प्लीटिंग तो हमने कंप्लीट कर दी है। अभी जो इसके सेंटर लाइन पे हमने मार्किंग करी थी तो उसमें कुछ गैदरिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं स्मॉल साइज की गैदरिंग कर रही हूँ और इस गैदरिंग का जो लेंथ है वो मैं रखने वाली हूँ 13 इंच। सो फ्रेंड्स, इसकी गैदरिंग एंड प्लेटिंग मैंने तो कंप्लीट कर दी है। अभी सेम इसी के साइज का एक और पार्ट मुझे रेडी करना है, तो दोनों पार्ट मैंने कुछ इस तरीके से रेडी करा है। अभी इसे आयरन की हेल्प से इसकी जो प्लेटिंग है उसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। फैब्रिक को टाइट रख के इसके ऊपर से मैं यहाँ पे इसकी आयरनिंग कर रही हूँ और प्लीट को सेट कर रही हूँ। इसी तरीके से दोनों साइड वाला जो हमारा, इसे आप स्लिप्स भी कर सकते हो, तो स्लिप्स दोनों साइड का जो स्लिप्स है उसे अच्छे से प्लीटिंग उसकी सेट कर लेनी है आयरन से। अभी इसका जो साइड वाला पार्ट है उस पर मैं वन साइड पे लेस ऐड करने वाली हूँ, तो लेस इस तरीके से मैं यहाँ पे रख के इसके साइड पे स्टिच कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने साइड वाले पार्ट पे लेस अटैच कर दी है। अभी जो इसका सेंटर पे मैंने गैदरिंग करी थी तो उसमें भी मैंने लेस इस तरीके से अटैच कर दी है। अभी इस लेस के ऊपर से एक और स्टिच डाल देते हैं सेंटर वाले पार्ट पे। तो फ्रेंड, दोनों स्लीव्स तो हमने रेडी कर लिए, अभी फ्रंट एंड बैक पार्ट पे उसे अटैच करते हैं। तो फैब्रिक को इस तरीके से यहाँ पे मैंने रखा है। अभी इसके ऊपर से जो मैंने गैदरिंग करके स्लीव्स बनाई है उसे रखते हैं। लेस जो मैंने लगाया है उसे नेकलाइन के साइड पे रखेंगे और सेंटर से दोनों पार्ट को इस तरीके से अटैच कर देनी है और वेस्ट लाइन से इसकी स्टिचिंग डाल देनी है फ्रंट एंड बैक पार्ट पे दोनों पे। अभी इसका जो आर्म होल है वो बाकी रह गया है, तो उसे फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्रॉस पट्टी ली है, उसे आर्म होल के साथ स्टिच करेंगे। तो पट्टी को मैंने आर्म होल के ऊपर इस तरीके से रख के उसके ऊपर से एक स्टिच लगा रही हूँ। अभी स्ट्राइप को डबल फोल्ड करके मार्जिन को पलट करके
अंदर की साइड पे एक स्टिच लगा देनी है और इस तरीके से आर्म होल की फिनिशिंग कर देनी है। दोनों आर्म होल की फिनिशिंग मैं सेम एज इट इज़ करने वाली हूँ। आर्म होल की फिनिशिंग तो हमारी हो चुकी है, अभी इसके जो साइड वाले पार्ट है मीन्स साइड फिटिंग स्टिच उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो फैब्रिक को मैं उल्टा साइड पे अच्छे से रख लेती हूँ। तो इसका बस्ट है 16 इंच, तो ऊपर मैंने रखा 16 एंड वेस्ट लाइन है 14 इंच, तो 14 इंच एंड 16 इंच। तो मैंने यहाँ पे साइड फिटिंग स्टिच कर दी है, दोनों साइड पे सेम स्टिचिंग डालनी है। ये हमारा अपर पार्ट रेडी हो गया है, अभी इसके बॉटम पार्ट की जो हमारी स्कर्ट पार्ट है उसे स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसमें उसे ऐड कर दूंगी। तो ये हमारा स्कर्ट पार्ट है जिसकी दोनों साइड मैंने स्टिच कर ली है। अभी टॉप पार्ट को स्कर्ट के अंदर इस तरीके से रखना है और दोनों साइड की जो स्टिचेज है उसे एक साथ रख के इसके वेस्ट स्टिच को कंप्लीट करनी है। स्कर्ट वाले पार्ट में स्मॉल सा प्लीट्स भी बनाना है। तो फ्रेंड्स इसकी वेस्ट लाइन तो अटैच हो चुकी है, बट अभी इसमें मैंने इनर अटैच नहीं करा है, तो अभी इनर को भी अटैच करते हैं। इनर के लिए यहाँ पे मैंने इनर को पहले ही कट करके रखा था, तो इसकी साइड फिटिंग स्टिच पहले डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाउन को उल्टा साइड पे रखा है और इनर को भी। इस तरीके से गाउन के साथ रख के इसके वेस्ट लाइन को स्टिच कर देनी है। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारे मैक्सी गाउन का फुल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।